सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप, मैं स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। सो गाइस, कुछ बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर बेस्ट ऑफ फाइव में सर बहुत मजा आएगा। भाई बेस्ट ऑफ फाइव में ना कभी कभी हमारे लिए सजा भी हो जाता है और सिर का दर्द भी हो जाता है। कैसे, चलो मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ कि आपको ये चीज़ पता भी नहीं होगा, बट चलो आज मैं ये इसको प्रूफ करके देता हूँ। और गाइस, उसके पहले अपने सर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फटाफट जाके फॉलो करो। सो गाइस, अब देखो मैंने यहाँ दो पर्सन का मार्क्स रखा हुआ, दो स्टूडेंट का मार्क्स रखा हुआ है, भोलू एंड गोलू। इंग्लिश में भोलू को 84 मिला है, गोलू को 86 मिला है, हिंदी में 87 मिला है एंड गोलू को 39 मिला है। अगर मराठी की बात करूँ तो 85 मार्क्स है, गोलू की बात करूँ तो 87 मार्क्स है। साइंस में बात करूँ भोलू को तो 95, देन गोलू को 96। मैथ में बात करूँ 98, गोलू को 99 एंड SST की बात करूँ 97 एंड गोलू को 98। मतलब देखा जाए, गोलू के एक सब्जेक्ट को बस छोड़ दिया जाए तो लगभग एक नंबर आगे पीछे दोनों जन हैं। अब अगर ये छह सब्जेक्ट का जब तक बेस्ट ऑफ फाइव नहीं था तब तक अगर हम ऐड करते हैं तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि भोलू होते फर्स्ट नंबर पे एंड गोलू होते सेकंड नंबर पे। बट गाइस, बेस्ट ऑफ फाइव आने के कारण यहां सिस्टम गड़बड़ हो गया है। सिस्टम क्या गड़बड़ हो गया कि गोलू का जो 39 मार्क्स था वो सब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा और उनके बचेंगे टोटल 5 सब्जेक्ट जो रहेगा इंग्लिश, देन मराठी, साइंस, मैथ, SST और उनका टोटल हो जाएगा 466। और यहां जो भोलू का सबसे कम किस में है वह है इंग्लिश में और वो भी लगभग 84 मार्क्स है। तो हिंदी, मराठी, साइंस, मैथ, SST को मिला के होगा उनका 462। तो यहां हो जाएंगे भोलू फर्स्ट नंबर पे एंड भोलू हो जाएंगे सेकंड नंबर पे। सो गाइस, ये बहुत बार देखा जाता है कि रैंकिंग बेस्ट ऑफ फाइव की वजह से क्या हो जाती, चेंज हो जाती। कोई ऐसा लड़का है जो लगभग सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करता है, बट एक कोई ऐसा लड़का है जो 5 सब्जेक्ट तो उसका अच्छा है पर एक सब्जेक्ट बहुत खराब है, तो इससे ये दूसरे वाले लड़के को टेंशन आ रहा है, भाई मैं तो फर्स्ट नंबर पे आऊंगा। पर बेस्ट ऑफ फाइव कभी कभी ये लड़के को क्या कर देता है, जैसे यहां आपको दिख रहा है गोलू कहां चला गया फर्स्ट नंबर पे एंड भोलू चला गया सेकंड नंबर पे। सो गाइस, इस तरह की चीजें हो सकती है बेस्ट ऑफ फाइव, तो ज्यादा हमें बेस्ट ऑफ फाइव को लेकर ज्यादा ये नहीं होना है। देखो, रिजल्ट आने पे आपका मार्क्स किस तरह से क्या बैलेंस हो रहा है उसी फोकस करना है। बेस्ट ऑफ फाइव कभी कभी रिजल्ट को चेंज कर देता है। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।